हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग, जो कि बहुत खास एडिटिंग होने वाला है। सो गाइस, आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड, चलते हैं पिक्सार तरफ और पिक्सार ऑन कर लेते हैं। बट पिक्सार में जाने से पहले आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे 12:40 हो रहा है, जो कि मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मेरे घर में थोड़ा काम वाम होता है, दिन में काम वाम चल रहा है, थोड़ा घर वर थोड़ा बना होना है, उसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा हल्ला उल्ला होता है इसके कारण से, तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोचा क्यों नहीं रात में वीडियो बनाऊँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो गाइस चलते हैं, थोड़ा अच्छे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पिक्सार्ट ओपन कर लेनी है गाइस। तो यहाँ पे मैं पिक्सार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, पिक्सार्ट ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, इस प्लस का एक पे क्लिक कर लेनी है, और क्लिक करने के बाद आ जानी अपनी फाइल में। ठीक है, तो चलते हैं अपने फाइल में, और ये लिए बैकग्राउंड कल मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ। और क्या करना है गाइस आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है ऐड फोटो में, अपने फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो मैं अपने फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो देख सकते हो हमारा जो फोटो ऐड हो चुका है। तो बस गाइस, क्या है कि मैंने फ़ोटो जो पहले से ही कट कर लिया, ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए, मैं सोचा क्यों नहीं जल्दी मैं करके आप लोग बता दूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको फ़ोटो कट करने नहीं आता है, तो हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, उसमें मैं बताया हूँ कैसे आप फ़ोटो कट सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, तो फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करनी है गाइस अच्छे तरीके से, ज़्यादा हड़बड़ा के काम नहीं करना और बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। थोड़ा फ़ोटो को मैं यहाँ हल्का सा छोटा करूँगा और ऐसे यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, तो गाइस आपको करना क्या है, आपको यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर कुछ PNG आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी मैं PNG को ऐड कर लेता हूँ। तो दो PNG मैं ले लेता हूँ सबसे पहले ये, उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ इसको मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको नीचे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाली PNG इसको मैं यहाँ से ऐसे घुमा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे गाइस, तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद फिर से आप चलते हैं ऐड फोटो में, और यहाँ पर कुछ लगाएंगे, फिर से कुछ लाइट वेट है उसको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिए जो टिक्का है, इसको टिक्का मैं लगा लूँगा। तो चलते हैं इसको, सबसे पहले आपको जाना है ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेते हैं मल्टीप्ले पे क्लिक, तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, जाना एडजस्ट में और थोड़ा यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा लेनी है, और यहाँ से कर लेनी है डन। और इसको ऐसे घुमा के थोड़ा सा ऐसे करके लगा देंगे, तो गाइस आप अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना, ताकि ये जब बिल फोटो तो बिल्कुल मस्त वाली बने और अच्छा लगे। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे हमारा टिक्का जो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, फिर से जाना ऐड फोटो में, और यहाँ लाइट में सेट करूँगा। ठीक है, तो ये लिए लाइट में ऐड कर लेता हूँ, और लाइट करने के बाद क्या करना है आपको, जाना है ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेनी स्क्रीन, और ऐसे करके लगा देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ऐड यहाँ पे सेट कर देनी है, और यहाँ से कर लेनी है डन। और फिर चलते हैं ऐड फोटो में गाइस, और यहाँ पे दो PNG हैं जो कि मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से, सॉरी गाइस क्या क्या खोल गया, यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये दो लाइट हो गया, और ये एक PNG जो कि टैक्स अच्छे। ठीक है, तो ये लगाना ज़रूरी है गाइस, ताकि पता चले पब्लिक को आप किस टाइप के फ़ोटो बनाए क्या नहीं बनाए। तो यहाँ से मैं ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये करना है गाइस, यहाँ पे आपको इस लाइट पे जाना है ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और थोड़ा ओपेसिटी को यहाँ पे कर लेंगे 51। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा साइज को बड़ा करके और यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ नीचे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर इसको भी कर लेंगे, जाएंगे ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और यहाँ भी इसको भी ओपेसिटी को कम कर लेंगे। तो यहाँ पे 51 कर लिए मैंने, और यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं
ओके तो वैसे हमारा जो सारा पीएनजी जो ऐड अच्छी तरीके से हो चुका है, अब यहाँ पे करेंगे कुछ कलर सेटिंग। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे इफेक्ट में, और इफेक्ट में जाने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कौन सा इफेक्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट यूज़ करना है MV3, ठीक है, ये वाली MV3 आपको यूज़ करना है। यहाँ से कर लेते हैं डन। उसके बाद करना है यहाँ पे जो फैड है इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 31, ठीक है, 31 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद ये करना है आपको जाना है टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद करना है एडजस्ट में आना है, और एडजस्ट में आने के बाद करना है थोड़ा यहाँ पे क्लियरिटी, तो यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ा मैं यहाँ पे कम कर देती थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे हाइलाइट्स थोड़ा यहाँ देख लेता हूँ, तो थोड़ा हाइलाइट्स यहाँ पे बढ़ा लूँगा, ठीक है। और यहाँ से कर लेते हैं डन। और बाकी का कुछ कलर सेटिंग करना है हल्का, थोड़ा और से कलर सेटिंग करेंगे तो फोटो और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना है कि आपको जाना है लाइटरूम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो का कर लेनी है सेव। तो चलते हैं ड्रा टूल में, और ड्रा टूल में जाने के बाद यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। सो वैसे हमारा जो फोटो यहाँ पे फुल HD में सेव हो जाएगा। और चलते हैं लाइटरूम की तरफ, वहाँ पे करेंगे फोटो कलर, ठीक है। सो गाइस हमारा जो लाइट रूम यहाँ पे है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद ये करना है गाइस, थोड़ा मैं इसे घुमा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस प्लस का भी क्लिक कर लेनी है, ठीक है, इस पर, और अपने फ़ोटो को यहाँ पे कर लेनी है ऐड। तो चलते हैं अपने फ़ोटो को थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, कहाँ है भाई, तो हमारा फ़ोटो कहीं इधर कहीं होगा, और यहाँ पे देखो इस पे क्या यहाँ पे है, तो इसको मैं याद कर लेता हूँ ऐड, और यहाँ से अपने कर लूँगा ओपन, तो यहाँ फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो गाइस हमारा जो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, और फ़ोटो ओपन भी कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले करना है कि आपको जाना है यहाँ कलर्स पे, और कलर्स पे मिक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको यू को बढ़ा लेनी है, सॉरी कम कर लेनी है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है, लुमिनस को हल्का सा यहाँ बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे आते हैं ब्लू टोन पे, यू को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ बढ़ा देंगे लुमिनस, तो लुमिनस को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस कलर पे आते हैं, उसके बाद यू को थोड़ा देख लेते हैं, तो यू को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे आपको यहाँ बढ़ा देनी है लुमिनस, तो लुमिनस को भी हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं येलो टोन पे, थोड़ा यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे यू को कम कर लेंगे। उसके बाद सैचुरेशन को यहाँ पे आपको कर लेनी है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद लुमिनस, तो लुमिनस को भी हल्का सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा फेस को यहाँ पे गोरा करना चाहते हो तो यहाँ गोरा कर सकते हो, तो बट यहाँ पे मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है। लुमिनस को आपको थोड़ा बढ़ा देनी है। उसके बाद यह करना है थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे, थोड़ा 9 पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड को यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर लूँगा, ठीक है, ताकि जो फोटो हाईलाइट मस्त वाले दिखे और अच्छा लगे, देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस पे आना है, थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो कि फेस स्मूथ करने के लिए तो आप इसको बढ़ा सकते हो नॉइस को, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगा, तो 7 कर लेता हूँ। यहाँ पे कलर नॉइस को भी बढ़ा लूँगा, ताकि आपकी फ़ोटो जो जो भी कलर अच्छे से नहीं हो पाता है, सेट हो पाता है, तो यहाँ पे कलर नॉइज को बढ़ा के अपने कलर को स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस हमारा जो फोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फोटो एडिटिंग अच्छी तरीके से हो चुका है, प्रोफेशनल टाइप की लग रही है। अब ये करना है फोटो को कर लेनी है सेव, तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके फोटो को कर लेनी है सेव। सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मुझे पता है, तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक दबा करना, ताकि आप लोगों को जो लाइक मिलता है वीडियो पे वो लोगों में जो लाइक देखता हूँ तो बहुत मोटिवेट होता हूँ गाइस, वो मोटिवेट देखने के बाद लगता है कि मैं वीडियो और बनाऊंगा। सो गाइस लाइक करना एकदम मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।